नमस्कार दोस्तों दोस्तों PCS एकेडमी में मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों का GS 4 का चैप्टर चल रहा था, एक शासन व्यवस्था में प्रॉविटी। ठीक है, तो इसी चैप्टर में यह तीसरे पार्ट को आज हम लोग देखेंगे और आज की डेट में यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, थोड़ा सा तबीयत की वजह से 2 दिन वीडियो नहीं आ पाया और व्हाट्सएप ग्रुप में मटेरियल भी नहीं मिल पाया, और आज से ही सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। ठीक है, और दोस्तों, आज हम लोग चीज़ों को देखेंगे। जो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि ईमानदार नौकरशाहों की सुरक्षा किस तरीके से दी गई है और भ्रष्टाचार निवारण एक्ट 2018 में संशोधन कौन कौन से हुए थे। ठीक है, तो उनको हम लोगों ने देख लिया था। अब आज की डेट में देखेंगे, आज के चैप्टर में, कि जो हमारा सूचना का अधिकार है, देखिए, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, तो ये भी योगदान करता है शासन व्यवस्था में अच्छा करने की। प्रॉविटी का अर्थ बिल्कुल अगर नॉर्मल अर्थ में देखें, बिल्कुल जनरल भाषा में, तो उसमें ये होता है कि अच्छा करना, और अच्छा करने में हर तरीके से, वो आपकी जवाबदेही, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार को कम करना, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में। तो इसमें कुछ बातों में कहा गया है कि जैसे कुछ मुद्दों प्रकरणों पर वाद विवाद चर्चा शुरू करता है। ठीक है, जैसे सरकारी तंत्र जो हमारा है, उससे प्रश्न पूछना। ठीक है, आप जानकारी लेते हैं RTI के माध्यम से, किस तरीके से सरकारी तंत्र में काम हुआ है, कौन सी योजना में किस लाभार्थी को लाभ मिला है या नहीं मिला है, आप कुछ भी जानकारी पूछ सकते हैं। बस कुछ चीज़ों में राहत दी गई है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा जो है उससे संबंधित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गोपनीय चीज़ों अगर आप पूछेंगे तो वही केवल आपको जानकारी नहीं मिलती, नहीं तो बाकी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। जो भी आप जवाब मांगते हैं, उसका जवाब RTI के माध्यम से आपको मिलता है। और क्या है कि जो हमारा RTI एक्ट है 2005, तो यह जवाबदेही को भी बढ़ाता है। ठीक है, शासन व्यवस्था में जवाबदेही को भी यह बढ़ाता है और भ्रष्टाचार को कम करता है। और क्या है इसमें कि शासन के कार्यों में लोगों को समर्थ बनाता है, कि जैसे जो व्यक्ति गलत कर रहे थे, अगर RTI के माध्यम से कोई व्यक्ति जानकारी मांगता है, तो वह क्या है, शासन में जो लोग बैठे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको क्या है, और समर्थ बनाता है कि आप अच्छी तरीके से अच्छा कार्यों को निष्पादित करें। ठीक है, और क्या है कि शासन में खुलापन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देता है, प्रोत्साहित करता है। ठीक है, कि किस तरीके से चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खुली हों, सभी की जानकारी में हों, कोई ऐसी चीज़ गोपनीय संस्कृति ऐसी शासन व्यवस्था में नहीं आनी चाहिए, और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाता है। और जो कार्य शासन व्यवस्था में, जो अधिकारी प्रशासन तंत्र है, तो उसको जो भी कार्य है, उस पर उस व्यक्ति को या उस संस्थान को या उस समूह को उत्तरदायित्व, अकाउंटेबल बनाया जाए। और क्या है कि गलत जानकारी देने पर दंड का भय भी है, तो ये कुछ बातें हैं। और क्या है कि सरकारी कार्यालयों में जो क्रियान्वयन है, तो उसमें नैतिकता को भी स्थापित करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब अगला चीज क्या है, अगली चीज को देखते हैं, विसल ब्लोअर संरक्षण एक्ट 2014। तो अब बात करेंगे विसल ब्लोअर संरक्षण एक्ट 2014 के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ चीज़ें संरक्षण प्रदान किया गया है, जैसे जो सूचनादाता है, जो कोई जानकारी प्रदान करता है, ठीक है, या जो भी संगठन है उसके अंदर से कोई अच्छी चीज़ के लिए लोगों को बताता है, तो उसको गोपनीय सूचना देने पर उसकी रक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, और क्या है कि भ्रष्टाचार कृत्यों और सत्यता के दुरुपयोग को भी इसमें रोका गया है। ठीक है, और क्या इसमें अगली बात कही गई है कि जो भ्रष्ट कृत्य हैं या जो लोग गलत कार्य करते हैं, तो उनको नज़रअंदाज नहीं करना है। जो भी व्यक्ति इन चीज़ों को संगठन में या बाहर के लोगों को अगर कोई जानकारी देता है, तो उसको सूचना देनी ही है, उसको चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना, इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, और क्या है इसमें अगली चीज़,
कि जो भी सूचना दी जा रही है, देखिए सूचना अगर कोई विसल ब्लोइंग कर रहा है, ठीक है, कोई विसल ब्लोअर है, तो उस व्यक्ति जो भी संगठन की चीज़ें, जो चीज़ें जानकारी में आनी चाहिए, जो गलत कार्य हैं उनको बताना चाहिए। तो जो व्यक्ति ऐसी कोई सूचना दे रहा है, ठीक है, तो ऐसी सूचना को जो प्राप्त करता है या अधिकारी है, वो स्वतंत्र अधिकारी होना चाहिए, ठीक है। और क्या है कि जो सुविधा का दुरुपयोग ना हो और उसके लिए संरक्षण का प्रदान करना, ठीक है। अब देखिए सुविधा जो चीज़ दी गई है, संरक्षण प्रदान किया गया है, तो इसमें है क्या कि जो भी व्यक्ति संगठन का या समूह का, जो भी व्यक्ति जो गलत कार्य हो रहे हैं उनको देखकर वो बाहर किसी सक्षम अधिकारी को बताता है, तो होगा क्या इससे, जो हमारी सुविधाएं हैं, जो संरक्षण प्रदान किया है, उसका भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और क्या है कि गोपनीयता को बनाए रखना, ठीक है, गोपनीयता, जैसे जो एक संगठन या समूह की जो गोपनीयता होती है, तो उसको भी बनाए रखना है। और उसके साथ में आपको जो गलत कार्य हो रहे हैं उनको रोकना भी है, उनके लिए रोकने के लिए कार्य भी करना है, आपको सूचना देनी है एक सक्षम अधिकारी को। और क्या है, अगला पॉइंट देखते हैं, उत्पीड़न करने वालों को दंड का प्रावधान भी दिया गया है कि जैसे कोई अधिकारी उत्पीड़ित कर रहा है, उत्पीड़न कर रहा है किसी का, तो उसका निलंबन, प्रोन्नति रोकना, ठीक है, हिंसा, इन सब मामले की अगर कोई धमकी मिलती है और ये चीज़ें उस अधिकारी के खिलाफ़ में नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। और अगर कोई जो सुपीरियर ऑफिसर है वह किसी अपने अधीनस्थ अधिकारी को इस तरीके से बोलकर गलत कार्यों में संलिप्त कराता है, तो उसको भी दंड का प्रावधान दिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं, अब अगली जो बॉडी है, अगली बॉडी के बारे में बात कर लेते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है। तो इसकी स्थापना जो की गई थी 1964 में की गई थी और के संथानन समिति की अनुशंसा पर की गई थी। और इसका पर्पस क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि प्रशासन में सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करना, ठीक है, प्रशासन में सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करना। और क्या है कि जो अधिकार क्षेत्र है, जैसे लोक सेवक हैं, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र है के उपक्रम जितने भी होते हैं, ठीक है, और जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, स्वायत्तशासी संगठन हैं, उन लोगों की जांच करना, इसका मुख्य कार्य था। इसके अधिकार क्षेत्र में इतनी चीज़ों को, जैसे जो प्रशासन है उसमें सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करना, यह इसके मेन पार्ट थे। और क्या बनाया गया है, शासन में, शासन व्यवस्था जो है उसमें प्रॉबिटी को लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में प्रावधान हैं, तो उनको भी देखेंगे। जैसे सिविल सेवा बोर्ड है, तो सिविल सेवा बोर्ड आयोग का भी गठन किया गया है। तो इसमें नियुक्तियां, स्थानांतरण, जैसे कोई ऑफिसर्स है तो उस ऑफिसर की नियुक्ति, स्थानांतरण और उच्च पदों पर बहाली का यह निरीक्षण करता है कि कहीं गलत तरीके से तो ये चीज़ें नहीं की गई हैं, ठीक है। गलती करने पर सिविल सेवक के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान यह करता है। तो कौन का यह कार्य करता है, सिविल सेवा बोर्ड करता है। और क्या है कि अगला क्या है, शासन में प्रोबिटी को लाने के लिए, कि जैसे लोकपाल है तथा लोकायुक्त का पद है, तो ये दोनों क्या करते हैं, यह जो आपकी शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, तो उसमें यह प्रोबिटी को सुनिश्चित करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे लोकपाल की अवधारणा जो है ओम्स वुडबेंस से ली गई है, और यह जो 1995 में यूरोपीय संघ ने लोकपाल का पद सृजित किया था, वर्तमान में इससे 140 देशों में यह लोकपाल की व्यवस्था हो गई है। और भारत में भी प्रथम बार 1966 में यह विधेयक पेश किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है, देखिए उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों और मामलों की जांच करना, लोकायुक्त का यह मेन उद्देश्य है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातों को आप ध्यान रखिए, इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जब कहीं भी आपको प्रश्न में या कहीं क्वेश्चन में जो चीज़ें पूछी गई हैं, तो उसके सपोर्ट में आप ये चीज़ें लिख सकते हैं कि लोकपाल क्या करता है, इसका उद्देश्य क्या है और इसकी स्थापना क्यों की गई, ठीक है। अभी लोकपाल जो हमारी संसद है उसमें विलंबित है, अभी भी पारित नहीं किया जा चुका है कुछ कारणों की वजह से, ठीक है। तो आप जो भी चीज़ें हैं आप एक फाइनलाइज रूप में नहीं कह सकते, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या, कौन सा पार्ट है, तो
शासन व्यवस्था, देखिए शासन व्यवस्था में प्रॉबिटी के सुधार हेतु अन्य सुझाव भी हैं, इतनी सारी चीज़ें थी ही थी। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं कि जैसे सार्वजनिक कार्यालयों में दुराचार रोकने के लिए कानून बनाना, ठीक है, इसके लिए कानून भी बनाए गए हैं। और क्या है कि लोक सेवकों की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति जब्त करने के लिए भी कानून बनाना। और क्या अगला है कि सरकार में नैतिकता के लिए कानून बनाना, ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है। बाकी ऊपर के दोनों पॉइंट में कुछ कुछ चीज़ें सरकार के द्वारा विधेयकों को लाया गया है, कुछ चीज़ों पर कानून भी बने हैं, लेकिन सरकार में भी नैतिकता के लिए इस तरीके से कोई कठोर कानून जिसका क्रियान्वयन बहुत अच्छी तरीके से हो रहा हो, ऐसा कोई प्रावधान अभी नहीं आया है। तो इसको लाया जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या है कि आपराधिक न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ीकरण करना। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है कि जो न्यायिक प्रणाली है हमारी, ठीक है, जो न्यायिक प्रणाली है उसको सुदृढ़ बनाना, इसको मजबूत बनाना। इसको अर्थ क्या होता है कि जैसे जो चीज़ें हैं, देखिए न्याय जो हमारे देश में न्यायपालिका है, तो वर्तमान में ये भी अब निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं न्यायाधीशों पर आरोप लगते रहते हैं कि यह किसी के पक्ष में यह जो जो निर्णय है वो दिए जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह भी लगाता है। तो न्यायपालिका का जो एक मजबूती है उसको भी प्रदान करना, ठीक है। और क्या है कि जैसे जो लोक सेवा है, तो लोक सेवा हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो अब इनको भी देख लीजिए कि जैसे जो नैतिक, देखिए ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स आपको फ़ायदा तब करेंगे, जैसे ये चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया रहेगा, और आप जब क्वेश्चन लिखेंगे तो जहाँ भी जो चीज़ें पूछी जाए आप वहाँ पर उन चीज़ों को डाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे लोक सेवा के मार्गदर्शक सिद्धांतों में सबसे पहला पॉइंट ये है नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। पेशेवर और वैयक्तिक सत्यनिष्ठा का संरक्षण, तो इसका क्या अर्थ है, जो भी आपके पेशेवर हैं तो उनमें सत्यनिष्ठा का संरक्षण किया जाना चाहिए, वो चाहे आपका व्यक्तिगत रूप हो या सामूहिक रूप पर हो, और सत्यनिष्ठा को आगे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लोगों के अंदर सत्यनिष्ठा का विकास किया जाना चाहिए। और क्या है कि खुद का विवेक होता है कि जो आप बौद्धिक क्षमता से जो निर्णय लेते हैं विवेक के माध्यम पे, ठीक है, तो ये आपके लोक सेवा के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक आता है। और क्या आता है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति के अंदर एक लोक सेवा की भावना भी होनी चाहिए, क्योंकि जो सिविल सेवा में जो जॉब करते हैं, जो अधिकारी वर्ग है, तो वो व्यक्ति अगर उनके अंदर लोक सेवा की भावना ही नहीं रहेगी तो वो कार्यों को किस तरीके से निष्पादित कर पाएंगे, वो पूरी भावना के साथ में कार्यों को निष्पादित नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यह एक मार्गदर्शक के रूप में भी जाना जाता है। और क्या है कि जो नीति परक आचार संहिता है, तो उसको भी यह क्या है, ये लोक सेवकों को एक मार्गदर्शक, एक मार्गदर्शन देती है, एक चीज़ों को बताती है कि आपको किन चीज़ों के माध्यम से, आपको किस तरीके से, किस लिमिटेशन में रहकर आपको कार्य करना है। और क्या है कि सकल गुणवत्ता प्रबंधन की भावना का समावेशन, तो ये भी आपका एक लोक सेवा के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में आता है, ठीक है। तो शासन व्यवस्था में शुचिता यानी प्रोबिटी को हम लोगों ने देखा। कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप लोग लिखिए, ठीक है। ये प्रश्न हैं तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, इनको लिखिए। लिखने के बाद आप लोग, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोगों को सेंड करना है। और GS और डिफेंस ऑप्शनल का ग्रुप चल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइनिंग प्रोसेस है, और उसमें ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को प्रश्न दिए जाते हैं। आप लोग पूरी अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं, तो जो लोग भी इंटरेस्ट रखते हैं या जो लोग जिन लोगों को भी इच्छा करती है ज्वाइन करने की, तो ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।